सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अर्थात ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीन प्रकार से कर्म की स्फुरणा होती है, प्रेरणा होती है, और करण कर्म और कर्ता, ये तीन जो होते हैं ये जो है कर्म संग्रह कराते हैं, इनसे कर्म संग्रह होता है। तो अब बात यह है कि कर्म चोदना यानी कर्म का स्फुरण, कर्म की प्रेरणा कहां से आती है? पहले ज्ञान से आती है। जब उस चीज का ज्ञान होगा तभी स्फुरण आएगा, जब ज्ञान ही नहीं होगा तो स्फुरण भी नहीं आएगा। यानी स्फुरण आने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। और ज्ञान किसको कहेंगे? एक तो हमारे इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, यानी वस्तु स्थिति क्या है, अनुभूति क्या हो रही है, एक तो इंद्रियों के द्वारा होता है। दूसरा, किसी भी चीज की अनुभूति हमें इंद्रियों से परे जाकर के हो जाए तो उसको भी ज्ञान कहते हैं, और उसके साथ उसमें इसे आत्म लगा दिए तो आत्मज्ञान हो गया, परम लगा दिए तो परमात्मा का ज्ञान हो गया, परम ज्ञान हो गया, और इस तरह के और भी जितने भी ज्ञान है जो इंद्रियों से परे हैं, जैसे अंतःकरण का हो गया, जैसे कि आपको प्रज्ञा से हो गया, तो उसको भी ज्ञान कहते हैं, लेकिन उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं, क्योंकि उसमें अलौकिकता आ जाती है, लौकिक ज्ञान नहीं होता, अलौकिक ज्ञान होता है। अलौकिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान में क्या अंतर होगा? अंतर यह होगा कि जो लौकिक ज्ञान है वह लोक का होता है, यानी उसमें आकार होता है, आकार से भिन्न ज्ञान जो है जिसमें आकारत्व नहीं है, यानी इतनी सूक्ष्मता हो गई है कि जिसके आकार को हम महसूस नहीं कर सकते, तो वह जो है दिव्यता में आती है, तो वैसे को दिव्य ज्ञान कहा जाता है। और जितने भी आकारत्व के ज्ञान है वो सब उसी के कारण होते हैं, यानी उसके मुख्य कारण वही होते हैं, ये कार्य होता है एक तरह से। यानी जो स्थूल ज्ञान है, यानी जो पदार्थों का ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है, वह जो दिव्य ज्ञान है उसी की ही स्थूल अभिव्यक्ति है, उसी का यह परिलक्षण है, उसी की अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण है। तो दिव्य ज्ञान से यह लौकिक ज्ञान भी आता है, तो यह ज्ञान जो है वह भी कर्म का स्फुरण कराता है, कर्म के स्फुरण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा, केयम, वह चीज जिसको जाना जा सकता हो, जो उसका विषय हो, जैसे
जल जो है विषय है जानने का, तो इंद्रियों के द्वारा हम जल को जानते हैं, आंख से देख लेते हैं, स्वाद से चख लेते हैं और हाथ से स्पर्श कर लेते हैं। इस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं ये भिन्न भिन्न स्तर पर जो है ज्ञान प्रदान कराती हैं। तो यह जो वस्तु है वह कोई वस्तु जो बाहर हो या भीतर हो, अब हमारे भीतर भी कोई वस्तु है तो उसका भी ज्ञान हो सकता है। तो उसमें क्या है, उसमें हमारी इंद्रियां कौन सी होगी, मन की इंद्रिय होगी। मन इंद्रियों का राजा है, तो अंदर का जो भी ज्ञान होता है वो मन से ही होगा, क्योंकि वस्तु भीतर है। तो जो गेय है यानी वह ऐसा होना चाहिए जिसको जाना जा सके। तो जानने के लिए अलग अलग है, अब इंद्रियों के द्वारा जानने के विषय अलग होंगे, गेय अलग होगा, और जो परा इंद्रियां हैं या इंद्रियों से परे जो अनुभूतियां होती हैं वे भी गेय ही होती हैं, लेकिन वे बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा गेय नहीं हो पाती हैं। तो वे परा इंद्रियों के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, विवेक के द्वारा, मन के द्वारा, मन में सूक्ष्म मन जो है, जो विवेक है उसके द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा और आत्म तत्व के द्वारा वह गेय होती है। परिज्ञाता, परिज्ञाता क्या है, परि मतलब चारों ओर से, यानी कोई भी एक वस्तु है उसको हमारी भिन्न भिन्न इंद्रियां महसूस करती हैं और संदेश देती हैं, और संदेश देने के बाद फिर उनका जो है एक तरह से उनका समन्वय होता है, और समन्वय होकर के एक निष्कर्ष निकलता है जिसको कि हमारा मन, हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों ही जब मिलते हैं तभी जा करके कर्म का स्फुरण हो पाता है, यानी कर्म के प्रकटीकरण की भूमिका बन पाती है। इन तीनों का होना अनिवार्य है कर्म की प्रेरणा के लिए। अब इसके बाद जो है कर्म का संग्रह कैसे होता है, तो कहते हैं कारणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह, यानी कारण यानी कोई ऐसा चाहिए जो हेतु बन जाए, जो टूल बन जाए किसी चीज को करने के लिए, यानी किसी के जरिए, किसी के माध्यम से कोई औजार हो जिसके जरिए कुछ कर सकते हैं, तो वो कारण है। जैसे इंद्रियां जो है ना वे कारण हो जाती हैं कि उसके जरिए हम जानते हैं किसी चीज को, उसके जरिए हम करते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम जानते हैं और कर्म इंद्रियों के द्वारा हम करते हैं, जैसे हाथ होंगे, पैर होंगे, करने वाले जो उपकरण हैं ये होंगे तो ही हम कर पाएंगे। तो ऐसे कारण जो है वे जरूरी है कर्म संग्रह के लिए। फिर है कि कर्म यानी कोई क्रिया होनी चाहिए, कोई जो है गति होनी चाहिए जिसमें, उसमें मन शामिल होना चाहिए। तो ऐसी क्रिया जिसमें मन शामिल होता है उसको कर्म कहते हैं। तो मन शामिल है उसमें, क्रिया में, तो कर्म हो रहा है। और कर्ता, यहां सबसे मुख्य जो है कर्ता ही है, करता है, करता है तभी जा करके कुछ कर्म होता है, बिना कर्ता के कर्म नहीं होता है, क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। और कर्ता कौन करता है, अहंकार, अहम बोध ही अपने में कर्ता भाव रखता है। तो अहम के कारण ही कर्ता भाव है, कर्ता भाव के कारण ही जो है कर्म होता है, वही अपने में सोचता है कि मैं यह करता हूं, वह करता हूं। इस तरह का जो सोचने वाला है वही जो है कर्म संग्रह करता है, कर्म इकट्ठा करता है।
यानी कर्म बंधन में वह बंधता है। तो करण कर्म करते इति त्रिविधा, इन तीन विधों से, इन तीन तरीकों से कर्म संग्रह होता है। इसमें ये तीनों जब मिलते हैं तो ही कर्म होता है, बिना इन तीनों के नहीं होगा। और इन तीनों में सबसे प्रमुख क्या है? कर्ता। तो कर्तापन का भाव है, अहंकृत भाव जो है वह होगा तब जा करके कर्म संग्रह होगा। तो भगवान ने ये कर्म संग्रह बताया है और कर्म का स्फुरण बताया है, कर्म चोदना बताया है। इसके आगे आप बताएंगे फिर कि ये जो है कर्म से जो है कैसे मुक्ति हो सकती है कर्म संग्रह से। तो इसमें इतना ही। हरिओम।